सभी साथियों को जय हिंद। मैं आर्यन जसवाल बिंद पर 24 में स्वागत करता हूं। आज है 1 मई और अधिकांशतः है अगर बुद्धिजीवी लोग के अगर फेसबुक ट्विटर यानी सोशल मीडिया में अगर देखा जाए तो इनका कहना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जरा मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, ये जितने लोग बधाई दे रहे हैं क्या वाकई में मजदूर को मजदूर रहने की बधाई दे रहे हैं या मजदूरों को अग्रिम कुछ उनकी जो शुभकामनाएं हैं उसके लिए बधाई दे रहे हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या मजदूर इतना प्रोफेशनल कार्य है कि ये भी मजदूर बनना चाहते हैं या फिर मजदूरों के भविष्य के लिए बधाई दे रहे हैं? अब कहते हैं कि बरसों से मजदूरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, बरसों से मजदूरों की बधाइयां दी जा रही है वो भी 1 मई को, लेकिन बड़ा दुख होता है कि मजदूर को सिर्फ मजदूर रहने की बधाई दी जाती है और इस पर किसी भी ना नेता न किसी भी प्रशासनिक अधिकारी न कोई अधिकारी किसी के द्वारा ये नहीं बताया जाता है या फिर ये नहीं कहा जाता है कि मजदूरों की भविष्य के लिए शायद मजदूरों से मालिक बनने की शुभकामनाएं देता हूँ। क्या मजदूरी करना सबसे बेहतर कार्य है? क्या मजदूरों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है? क्या मजदूरों के भविष्य के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई गई है? जब मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई भी बेहतर व्यवस्था नहीं बनाई गई है तो फिर काहे की मजदूरी दिवस और काहे की मजदूरी दिवस की बधाइयां? अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए तो ये शुभकामनाएं देना कृपया बंद कर दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं आप शुभकामनाएं दे, लेकिन उन शुभकामनाओं के साथ कोई अच्छी खबर लेकर आए और अच्छी खबर के साथ में उनके पेट पालना के लिए अच्छी व्यवस्था बनाए, तब जाके वो बधाइयां भी शुभायमान होती है। बरसों से मजदूरों के लिए मजदूरी दिवस की हार्दिक बधाइयां देने वालों से मेरा सवाल है कि आपने न्यूनतम मजदूरी घोषित की है? क्या मजदूरों के लिए सुरक्षा की आपने व्यवस्था की है? क्या मजदूर के बच्चों के लिए कोई अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था की है? अरे मजदूर तो साहब 1 रुपये किलो गेहूं में और 1,35,000 के मकान में और उसके साथ में उनके कोई बच्चों के लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के साथ में, और मैं बात बता दूं आपको, 8 घंटे की न्यूनतम मजदूरी तक आपके द्वारा नहीं बनाई गई है, क्या आखिर उसे कितना मिलेगा? अगर आपने कलेक्टर रेट अगर आपने बनाया भी होगा तो शायद वह और रेट है कि आज की महंगाई के हिसाब से वह अपना पेट तक पालना नहीं कर सकता है। और न्यूनतम वेतन देने में वह उतनी राशि है जिसमें उसका परिवार भरण पोषण नहीं कर सकता है। साथियों, मैं आज किसी और मुद्दे पर बात करने नहीं आया हूं। सुबह से लेकर के शाम तक में जितने भी देखा हूं कई नेताओं के और कई अच्छे अधिकारियों के ट्विटर या फिर सोशल मीडिया में लगातार बधाइयों के ढेर लगे हुए हैं, उस पर बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं भी एक मजदूर हूं। हो सकता है कि प्रोफेशनल मजदूर हूं या फिर हो सकता है आपकी नजरों में या फिर बिना पढ़ा लिखा मजदूर हूं, लेकिन मैं भी उसी मजदूरी की श्रेणी में आता हूं कि 300-350 रुपए प्रत्येक दिन की मजदूरी करता हूं और उससे मुझे महसूस होता है और उससे मुझे अच्छी तरह से आभास होता है कि उससे पूरा मेरा परिवार भरण पोषण नहीं कर सकता है। क्योंकि आज इतनी महंगाई की अगर बात की जाए, महंगाई में अगर देखा जाए तो अगर पेट्रोल तक की बात हो जाए तो पेट्रोल के लायक तो ये मजदूर हो ही नहीं पाता है, गाड़ियों से चला ही नहीं पाता है। अगर गाड़ियों से चल रहा है तो शायद मजदूर की श्रेणी में ना आता होगा, क्योंकि 300 रुपए के रेट में अगर मजदूरी कोई करता है तो आप इस जरा सोचिए कि वह अपने व्यवस्था अपनी जिंदगी के लिए कितना बेहतर व्यवस्था बनाता है। बात करता हूं आप मजदूरी, कहते हैं कि अगर किसी की अगर मजबूरी ना होती तो शायद वो मजबूरी की श्रेणी में ना होता, और अगर वो उसकी मजबूरी पर अगर आप बधाइयां दे रहे हैं तो शायद इससे ज्यादा शर्मनाक बातें कही नहीं जा सकती। यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, लेकिन यह भारत का शायद मजदूर दिवस की बधाई देना शायद शुभायमान नहीं होता है। अगर यही अन्य देशों की बात की जाए, हार्ड वर्क करने वाले लोगों को बेहतर सुरक्षा के साथ में बेहतर व्यवस्था के साथ में मजदूरी करता है और साथ अच्छे भरण पोषण के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करता है।
लेकिन भारत जितने भी नेता हैं, जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले नेता हैं, मैं खुले चुनौतियों के साथ में बोलता हूं, क्योंकि अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इन्हीं मजदूरों के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से आप एक योजना चलाते हैं और उनको घर देते हैं और 1,35,000 आप रुपए उनको वितरित करते हैं। लेकिन मैं बुद्धिजीवी लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब एक यात्री प्रतीक्षालय का सर 2,65,000 रुपए में बनता है और ज्यादा से ज्यादा 4 कुर्सियां उसमें होती है और एक टीन का सेट होता है, अगर उसमें 2,65,000 रुपए लगता है, तो जरा आप बताइए क्या 2 कमरे का जो घर बनाया जाता है तो क्या उतने वजन के लोहे में क्या पूर्ण हो पाता है? अगर नहीं हो पाता है तो इन मजदूरों के लिए अपनी वाहवाही लूटना बंद कर दीजिए और बधाइयां देना बंद कर दीजिए। आज आपने मजदूरों के लिए गैसों की व्यवस्थाएं की थी और आज उन्हीं मजदूरों को आप मार रहे हैं, उस पर हम सवाल करना भी नहीं चाहते हैं। केवल मजदूरी की सुरक्षा की मैं बात करता हूं, वहां अपने अनेकों घोषणाएं की है मजदूरों के लिए, हम यह कर रहे हैं मजदूरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब भी किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर अगर मर जाता है, उसे किसी न किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, उसके लिए सिर्फ 4,00,000 का प्रावधान बड़े मुश्किल से घोषणा किया जाता है और शायद मिलता भी है कि नहीं मिलता है, ये तो बड़ा विचारणीय सवाल है। लेकिन जरा आप ही बताइए, अगर बुद्धिजीवी लोग, जो पूंजीपति लोग हैं, जो इस देश में 5% की श्रेणी में आते हैं और 95% के बीच में सिर्फ मजदूर आते हैं, तो जब 5% लोग जब किडनी की आवश्यकता होती है तो क्या 5,00,000 रुपये में किडनियाँ मिल जाती हैं? अगर बात की जाए मजदूरों की, चाहे बात की जाए यहाँ बिजली विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग में, चाहे अन्य कई विभागों में, संविदा के नाम पर लूट करती जा रही है ये सरकार और संविदाओं को, जितने भी संविदा के बीच में और आउटसोर्स ग्रुप में जो कार्य करते हैं वो भी शायद मजदूरों की श्रेणी में आते हैं और लगातार अपने हक की मांग करते जा रहे हैं, लगातार अनशन करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से ये नमक डालने का कार्य है पूरा, जितना भी तंत्र है करता आ रहा है, मजदूरों की हार्दिक शुभकामनाएं, मजदूरों की हार्दिक शुभकामनाओं का ढेर लगा हुआ है। रीवा में अभी कुछ दिन पहले भी एक कंपनी में, मैं उस कंपनी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, अभी लोग सभी लोग वाकिफ हैं, अभी बहुत बड़ा एक त्राहदी आया था, उसमें कई मजदूर मारे गए थे, क्या उन मजदूरों के लिए आप बधाई देने के पात्र हैं? और उन मजदूरों की न कोई व्यवस्था न सुरक्षा के बीच में, न उनके बच्चों के बीच में कोई भी सुरक्षा या फिर अग्रिम कोई सुविधाएं नहीं दी गई, क्या आप बधाई देने के पात्र हैं? क्या आप इसी के पात्र हैं कि मजदूरों को मजदूरों तक ही सीमित रखा जाए, मजदूरों को मालिक न बनाया जाए, क्या इसके लिए आप बधाइयां दे रहे हैं? कि आपके मन में कभी नहीं आता है कि बधाइयों के साथ में हम एक ये भी शब्द जोड़ दें कि काश आने वाले टाइम में मजदूर भी मालिक बन पाए। आम पब्लिक जितनी भी है, लगभग चाहे किसानों से लेकर के और उच्च चतुर्थ श्रेणी तक के सभी मजदूर हैं, क्या उनको भरपूर व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं? आज छोटे छोटे लालच के रूप में उनको फ्री की योजनाएं दे दी जाती है और फिर उन्हीं योजनाओं के पीछे 10 गुना अनेकों माध्यमों से टैक्स के रूप में, अनेकों महंगाई के रूप में आप वसूलते हैं, क्या उन मजदूरों को आप मजदूरी स्तर से भी नीचे रखने में लगातार प्रयासरत हैं? सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, यह हमारी पीड़ा है क्योंकि हम भी एक मजदूर हैं और जब इनके बधाइयां आती हैं तब बड़ा तकलीफ होता है कि आखिर इन्होंने मजदूरों के लिए किया क्या है जिनके पीछे इन्होंने बधाइयां दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं बधाइयां, और बधाइयों का ढेर लगा हुआ है। यह भी प्रेस 24 में लगातार आप सभी के मुद्दों को उठाने का यह प्रयास रहेगा और उम्मीद करता हूं यह साथ हो सकता है आपके लिए कोई नवीन चैनल है, लेकिन जितना भी मुझे प्यार मिल रहा है शायद उतना मेरे जिम्मेदारी को बढ़ाता जा रहा है और लगातार मैं बढ़ाता रहूंगा, और उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अन्य सभी साथियों तक भी भेजने का प्रयास करेंगे, सिर्फ पूंजीपतियों को छोड़ करके, क्योंकि पूंजीपति तो हमें मजदूर को मजदूर ही बनाए रखने में लगातार प्रयासरत रहे हैं और रहेंगे। चैनल में सब्सक्राइब करके प्यार देना ना भूलेंगे, क्योंकि मैं छोटे स्तरों को ऊपर तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करता हूं, और तकलीफ इस बात की लगती है कि जब झूरी बधाइयां मिलती हैं तब तकलीफ लगती है और दिल में बड़ा ठेस पहुंचता है। पूरे भारत में देखा जाए अनेकों राज्यों में मजदूरों को मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है, मजदूरों को मजदूरी नसीब नहीं हो पा रही है, अगर उनकी एक्सीडेंट हो जाती है, उनकी दुर्घटनाओं पर कुछ भी नहीं मिल पाता है,
और उनसे अगर ईपीएफ एसआईसी अगर काट लिया जाता है वेतन से, तो उसकी भी उससे भी लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। और अधिकांशतः तो ऐसी जगह है कि जहां एक महीने दो महीने की मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती है और आवाज़ दब जाती है, और ये बड़े स्तर में बैठे हुए लोग ये उस आवाज़ को बुलंद करना नहीं चाहते हैं। इसी साथ देख रहे थे बिंद पर 24, मैं आरएन जसवाल, जय हिंद।